नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। यदि हम क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल की बात करते हैं, जनरली हमारे पास दो कंडीशन आती है, या हमारी कैनाल सिस्टम में बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर लेवल है। यदि हम वाटर लेवल की बात करें तो ये हमारा दैट इज HFL है, और हमारा ये क्या है NSL, दैट इज नॉर्मल सरफेस लेवल। यदि हम लोग यहाँ पर HFL की बात करते हैं तो HFL बेसिकली क्या होता है, दिस इज नोन एज हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल और NSL हमारा बेसिकली टर्म होता है दैट इज नॉर्मल सरफेस लेवल। नॉर्मल सरफेस लेवल यहां पर हम लोग देखें तो हमारा बेसिकली क्या है इस कंडीशन में, यहां पर हमारा क्या कंडीशन है, नॉर्मल सरफेस लेवल क्या है, ग्रेटर है, दैट इज ग्रेटर टू द HFL। तो यहां पर हमारे कंडीशन बनेगी दैट इज कैनाल इन कटिंग। हमारी क्या कंडीशन बनेगी, कैनाल इन कटिंग। हम लोग क्या करेंगे, लैंड पार्ट को दैट इज कट करके वहां पर कैनाल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। यदि हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड कंसिडरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस कंसिडरेशन में बेसिकली क्या होता है, दैट इज यहाँ पर हमारा क्या होगा, नॉर्मल सरफेस लेवल होगा, और हमारी जो हाई फ्लड लेवल होता है बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, हाई फ्लड लेवल होता है। सो जनरली देखें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, HFL, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, यहाँ पर हमारा क्या है HFL बेसिकली ग्रेटर है किससे, नॉर्मल सरफेस लेवल से। हाई फ्लड लेवल बेसिकली यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है नॉर्मल सरफेस लेवल से, और इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कैनाल इन फिलिंग। कैनाल इन फिलिंग, और इसे हम लोग नाम देंगे बेसिकली ये क्या होता है, कैनाल इन कटिंग। कैनाल इन कटिंग। सो जनरली अब हम देखते हैं हमारे क्या क्या, हमारी लेआउट बेसिकली जनरली हमारे कैनाल सिस्टम में आते हैं, क्या क्या सेक्शंस बेसिकली आते हैं। तो हम लोग जनरली बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन की, दैट इज नॉर्मल सरफेस लेवल यहाँ पर हमारा है। नॉर्मल सरफेस लेवल के बाद हमारा कैनाल की बैंक है बेसिकली यहाँ पर, दैट इज बैंक्स। इसे हम लोग बेसिकली क्या नाम देंगे, दैट इज फिलिंग। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज यहां से यहां तक, यदि हमारा है बैंक से तो यहां से यहां तक यदि पानी का लेवल है तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज फ्री बोर्ड। हमें इसे क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड। और यहां पर हमारा क्या होता है, जनरली ये हमारा क्या है, हाई फ्लड लेवल है। हाई फ्लड लेवल नेक्स्ट है, इसे यदि हम लोग देखें तो हमारे अपर सरफेस से, टॉप मोस्ट सरफेस से फ्लड लेवल तक, हाई फ्लड लेवल तक जो भी वैल्यू आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फ्री बोर्ड। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज बर्न। यहां पर हमारा क्या आता है, दैट इज बर्न। बर्न के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कटिंग। यदि हम लोग बात करें तो यहां पर हमारा क्या होता है, दिस इज नोन कटिंग। नेक्स्ट हमारा बात करें तो हम लोग यहां पर देखेंगे तो जनरली क्या होता है, ये स्पॉइल बैंक होता है यहां पर, गनी बैग्स हम लोग रखते हैं, दिस इज नोन स्पॉइल बैंक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉइल बैंक। सो हम लोग इन टर्म्स की बात कर लेते हैं जो भी हमने यहां पर बनाए हुए हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारा आता है दैट इज हाई फ्लड लेवल, या फिर FSL। हाई फ्लड लेवल बेसिकली क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमम लेवल अप टू विच द मूवमेंट ऑफ वाटर कैन बी एग्जिस्ट इन द कैनाल, और इसे हम लोग HFL या FSL बीच से भी डिनोट करते हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर हाई फ्लड लेवल, यहाँ पर फ्री बोर्ड आता है। फ्री बोर्ड बेसिकली क्या होता है, इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस। ये एक वर्टिकल डिस्टेंस है किसके बीच में, हाई फ्लड लेवल के और बैंक लेवल के बीच में। बैंक लेवल और हाई फ्लड लेवल के बीच की यदि हम बात करते हैं तो ये एक वर्टिकल डिस्टेंस है जिसे हम लोग नाम देते हैं दैट इज फ्री बोर्ड।
फ्री बोर्ड बेसिकली कैनाल के डिपेंड होता है उसके डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी से, वो कितना डिस्चार्ज ले जा सकता है उसके ऊपर डिपेंड होता है उसका फ्री बोर्ड बेसिकली। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जनरली क्यू डिस्चार्ज की, फ्री बोर्ड हम कितना प्रोवाइड करेंगे, तो वो डिपेंड करता है बेसिकली उसके डिस्चार्ज पे, दैट इज क्यू डिस्चार्ज पे, क्यू मीटर। और हमें कितना फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना है वो हम देखेंगे यहाँ पर। फ्री बोर्ड बेसिकली यदि हम बात करते हैं अप टू फाइव मीटर क्यूब यदि हमने डिस्चार्ज है हमारे कैनाल का, तो हम लोग फ्री बोर्ड प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 0.5। यदि 5 to 10 बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइडेड है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो हम फ्री बोर्ड बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड कितना करेंगे, दैट इज 0.6। यहाँ पर हम लोग फ्री बोर्ड बेसिकली कितना डिजाइन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 0.6 मीटर। एंड नेक्स्ट हमारा यदि 10 से लेकर यदि 30 तक है, तो हम लोग जनरली यहाँ पर फ्री बोर्ड की बेसिकली वैल्यू कितनी प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 0.75। यहाँ पर हम लोग फ्री बोर्ड बेसिकली 0.75 प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज फ्री बोर्ड यदि हमारा क्यू डिस्चार्ज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड से लेकर 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड यदि दिया हुआ है बेसिकली, तो हमें यहाँ पर फ्री बोर्ड की वैल्यू बेसिकली 0.9 प्रोवाइड करना है। ये कुछ रिकमेंडेड वैल्यूज हैं जो कि फ्री बोर्ड हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज। नेक्स्ट हम आता है बेसिकली हमारा दैट इज बर्न। बेसिकली बर्न क्या होती है, बर्न हमारी इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि लेफ्ट होती है एट द ग्राउंड बिटवीन एज ऑफ कटिंग और एज ऑफ फिलिंग के बीच में। ये क्या होती है, टो ऑफ फिलिंग और एज ऑफ क्या होती है कटिंग के जो भी बीच में जो भी जगह बचती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ये, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज बर्न। सो बर्न बेसिकली प्रोवाइडेड, बर्न के फंक्शंस क्या है हम लोग देखते हैं। बर्न इज बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग फंक्शंस जनरली। सबसे पहले आता है कि जो सिल्ट डिपॉजिट्स होती है ऑन द साइड्स एक्ट एज ए गुड लाइनिंग विद रिड्यूस सीपेज। तो बर्न बेसिकली क्या होता है, जो सिल्ट डिपॉजिट होती है ऑन द साइड्स एक्ट एज बेसिकली गुड लाइनिंग विद रिड्यूस सीपेज। बर्न प्रोटेक्ट द चैनल बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेंस्ट द वेव एक्शन ऑफ वाटर। जो भी वेव एक्शन ऑफ वाटर होती है उससे बर्न क्या करता है, चैनल को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड द स्कोप ऑफ फ्यूचर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कैनाल। यदि हमें कैनाल को एक्सपेंड करना है तो बर्न बेसिकली क्या करता है, वहां पर फ्यूचर स्कोप भी बढ़ाता है कि हम लोग उसको कैनाल को एक्सपेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज, यदि हमें डिस्चार्ज बढ़ाना है तो। नेक्स्ट यदि टर्म देखें तो बोरो, नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज बोरो पिट्स। यदि हम बोरो पिट की बात करते हैं तो व्हेन अर्थवर्क इन फिलिंग इज बेसिकली मोर देन, यदि फिलिंग का अर्थवर्क ज्यादा है ग्रेटर है कटिंग के अर्थवर्क से, तो एक्स्ट्रा सॉइल हमें क्या करना पड़ता है, कैरीड करना पड़ता है, लाना पड़ता है फ्रॉम द साइड, एंड दिस साइड इज नोन एज बोरो पिट। जहां से हम लोग वो एक्स्ट्रा सॉइल को लाकर फिल कर रहे हैं हम लोग या फिलिंग कर रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, उस साइड को हम लोग क्या नाम देंगे जहां से हम सॉइल ला रहे, दैट इज बोरो पिट्स। इट इफ द सॉइल इज कैरीड फ्रॉम द चैनल द बोरोपिट इज नोन एज इंटरनल बोरोपिट्स। यदि चैनल के पास से ही या विद इन द चैनल में हम लोग मई के पास से ला रहे हैं या चैनल से ही ले रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल बोरोपिट्स बोलेंगे। यदि हम लोग सॉइल को आउटसाइड द चैनल से ला रहे हैं कहीं बाहर से ला रहे हैं तो दैट इज द एक्सटर्नल बोरोपिट्स, उसका नाम हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बोरोपिट्स। नेक्स्ट आता है दैट इज, इसमें एक टर्म्स आता है दैट इज सर्विस रोड। सर्विस रोड की हम बात करें तो ये इट इज बेसिकली constructed along the length of the canal, ये canal के along construct करते हैं। और ये generally क्यों construct करते हैं हम लोग, service road को क्यों construct करते हैं, it is generally for inspection of roads। ये inspection road है basically किसके लिए, canal के लिए, कि हमें canal का inspection करना है तो हम लोग उसके along the path एक road बनाते हैं, that is service road। ये basically it is always provided along the left bank of flowing direction of canal, left bank of flowing direction जो भी है हमारा canal का उसके along हम क्या करते हैं इसको बनाते हैं, that is service road। Next आता है हमारा that is spoil bank। Spoil bank basically क्या होती है, when earthwork in cutting, यदि earthwork cutting की ज्यादा है greater है earthwork in filling, तो हम लोग generally क्या करते हैं, extra soil is filled in the bag, जो भी extra soil है उनको हम लोग क्या करते हैं bag में filled करते हैं, and bags are laid along the बैंक ऑफ कैनाल, उसके बैंक के अलोंग हम उनको क्या करते हैं, लेट करते हैं जनरली,
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली दिस इज नोन एज स्पॉइल बैंक। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म निकल के आती है, दैट इज स्कोर डेप्थ। स्कोर डेप्थ बेसिकली क्या होती है, स्कोरिंग बेसिकली क्या होता है, इरोशन, यदि हम लोग मटेरियल का इरोशन हो रहा है, किसी सॉइल का इरोशन हो रहा है, दैट इज स्कोरिंग। और स्कोर डेप्थ बेसिकली क्या होती है, इट इज अ मैक्सिमम डेप्थ अप टू विच स्कोरिंग टेक प्लेस। ये उतनी डेप्थ होती है जहां पर स्कोरिंग बेसिकली कहाँ होती है, स्कोरिंग टेक प्लेस होती है, दिस इज नोन एज स्कोर डेप्थ। और मैक्सिमम स्कोर डेप्थ के फॉर्मूला बेसिकली हम लोग देखें यदि, तो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ होता है, स्कोर डेप्थ इज गिवन एज, ये हम लोग किस फॉर्मूला देते हैं, दैट इज 1.35, दैट इज स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ की पावर 1/3। यहां से हम लोग मैक्सिमम स्कोर डेप्थ को फाइंड कर सकते हैं। और क्यू बेसिकली क्या है, ये डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है। बेसिकली यहाँ पर स्मॉल क्यू क्या है, यहाँ पर कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ द चैनल, ये हम लोग इसको पर मीटर विड्थ भी बोल सकते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं लेसीज स्कोर डेप्थ निकालने के लिए, तो लेसी ने भी अपना एक फॉर्मूला दिया हुआ है स्कोर डेप्थ निकालने के लिए। सो बेसिकली लेसी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज लेसी का, लेसीज स्कोर डेप्थ निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आता है, दैट इज हम लोग 0.48, यहाँ पर हम लोग कैपिटल क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर कैपिटल क्यू आएगा टोटल डिस्चार्ज जो भी है, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एफ की पावर 1/3। सो जनरली हमारा क्या है, ये यहाँ पर फॉर्मूला है। और एफ बेसिकली यहाँ पर क्या है, सिल्ट फैक्टर है। एफ क्या है, सिल्ट फैक्टर है। क्यू डिस्चार्ज देखें तो क्यू बेसिकली डिस्चार्ज है हमारा। और इस फॉर्मूले से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कोर डेप्थ को निकाल सकते हैं। सो जनरली ये कुछ फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट बेसिकली टर्म आता है, दैट इज डायवर्शन हेडवर्क, जो कि हम लोग जनरली बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।